परिक्रमा लगा रहे थे। सो ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, चौरे साहब हमने यो सुनिए कि तू भगवान है। वो तो मित्र मित्र लंगोटिया यार, आओ जी भगवान जी आओ आओ भगवान, हमने सुना है कि तुम भगवान हो। तो तुम भगवान हो तो तुम्हारे पास तो फिर वैकुंठ भी होगा। कन्हैया ने कहा वो तो है, ज्यादा बातें मत बना, वैकुंठ आओ चलो आओ। दूसरे ने कहा ऐसे मत बोले, हमारे ललाते लड़के बात करेगा तो कनपटी भोत देंगे। मनसुखा बोला, मनसुखा बड़ा प्रीति करे कन्हैया से। तब तक मधुमंगल ने कहा हम डरे भाई ना हथ, भगवान है तो जाके पास वैकुंठ होगो। मनसुखा ने कही बिल्कुल है, अच्छा बड़ो पक्ष मित्र को ले भी चल, तो बोल देना अपने मित्र हमें वैकुंठ को दर्शन कराए दे। मनसुखा ने कहा लला होगी सो देखी जाएगी, जिन्हें कराए तो दे दर्शन। सो भगवान बोले ब्रजवासियों अपनी अपनी आंखें बंद करो और अबे ही तुम सगने वैकुंठ भेजे। तो ज्यो ही ब्रजवासियों ने अपने नेत्र बंद करे, भगवान ने सबको वैकुंठ भेज दिया, सबरे वैकुंठ पहुंचे। कृष्ण भी नारायण बनकर अपनी गद्दी पर बैठे, अंदर बैठ गए गद्दी पर। अब भगवान के दरवाजे पर दो पहरेदार लगे हैं, दो सिपाही लगे, एक को नाम जय और एक को नाम विजय। और ब्रजवासी बिन के आगे जाके खड़े गए। अब स्वर्ग की एक विशेषता है कि वहां पलकें नीचे नहीं गिरती, जैसे हमारी और आपकी पलकें नीचे गिरती हैं, वहां पलक नीचे नहीं गिरती और वहां परछाई नहीं पड़ती और देह में पसीना नहीं आता। ये कुछ ऐसी विशेषता है देवलोक में रहने वालों की। अब वो ब्रजवासी जय विजय के सामने हाथे कैसे करे, आंख निके आगे, अब पलक तो नीचे गिरते नहीं। तो ब्रजवासी एक दूसरे से बोला भैया न्यो बता जी, हाड़मास को है कि पत्थर को है, जाकि आंख नीचे गिरे ही ना है। दूसरे ने कहा नहीं टटोरे के देख लेना। और एक ब्रजवासी ने जाए के बाकी बाजी लाई, कह चो न्यो बता के तेरी आंख के पलक नीचे गिर तक, वहां डांट लगा है कुआरी हो ठीक से खड़े नहीं होते। ब्रजवासी सेंप गए, कांपने लगे, का पत्थर को ना दे तो सांचू माचू को है। हाथ जोड़ के कही देखो भैया, हम पढ़े लिखे तो हतनाए, हम वृंदावन से आए, हमारे मित्र हमें लेके आओ, पतो ना कहाँ छोड़ छाड़ के चलोगो, हम तो भाई ढूंढबे में लगे हैं, यदि तुम्हें ने कछु अतो पतो होए तो बाको पतो बता दो। तो जय विजय ने पूछा कौन है मित्र, वो हमारे कन्हैया है, कनुआ है, कलुआ और खबरदार स्वामी जी से ऐसे बोलते हो, वो अंदर बैठे हैं सुन लेंगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। भैया हमारो वो लंगोटिया यार है, गैया चराए जावे तो हमारी मटकिया की कड़ी बाय अच्छी लगे। आवाज पहुंच गई अंदर तक, झगड़ा हो रहा था तो आवाज अंदर तक पहुंच गई। भगवान ने एक गोपी को भेजा, कहा मेरे प्यारे गोप आए हैं श्री वृंदावन से, उनको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ लेके आना। सो गोपियां हजार चली लेने के लिए, ऐसे ऐसे ढकूला हाथ में, फूलन के सिग तरह के फूल बिन के पास, इत्र बरसावत बरसावत, फूल बरसावत बरसावत, इत्र के फुहारे चल रहे रास्ता में, और सब फूलों को लेकर बिल्कुल गलीचा फूलन के बिछाए दे। और आई वो गोपियां और ब्रजवासी के ऊपर ढकूला ढकूला फूल और इत्र दे खुशबू, और उन ब्रजवासियों को कहा कि तुमको भगवान श्याम सुंदर सरकार ने याद किया है। दूसरे ने कहा अब कछु बात बनी। सो ब्रजवासी चले वहां तक पहुंचे, वहां तो सगरे सावधान खड़े, को का उसो बात ना करे, वहां तो बड़ा सिस्टम था। ये थोड़े ही था कि चेता की मथनिया फोर के अलुआ खाए ले, ये तो था नहीं, वो तो सब ब्रज में, वहां तो इतना सब सिस्टम था। अब ब्रजवासी सेंपे भी लगे, को तो काऊ ते बात ना करे, बड़ी सभा में चले जाए तो आदमी है तो संकोच हो गई कि लोग हमते को गवरुआ ना कहे है। अब तो ब्रजवासी सेंपे सेंपे खड़े, अब भगवान को लगा कि खूब फूल बरसाए, इत्र भी खूब छिड़के हैं, तो ब्रजवासी जरूर यहाँ ते खुश भये होंगे। सो कन्हैया ने कहा, भगवान ने कहा भाई ब्रजवासी हो, मेरा वैकुंठ तुम्हें कैसा लगा? ब्रजवासी बोले दो पैसे कौन है। ब्रजवासी बोले क्यों क्या हो गया? हो नहीं गया, गैया का दूध कहाँ है बता। ब्रजवासी बोले बता राबड़ी कहाँ है बता बता बता, कितना कटेमा दही हमारे ब्रज में है बता।
कदम के फूल दिख रहे कहीं, कहूं मोर नाच रहे हो तो बता। ब्रजवासी बोले, ब्रजवासी की आंख में, ब्रजवासियों की बात सुनी तो कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। कहा ब्रज से बढ़िया तो कहीं है ही नहीं, इसलिए तो मैं ब्रज में जाकर के मैंने जन्म लिया। ब्रजवासी कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग लेकर के करेंगे क्या, तुम जानते नहीं हम वृंदावन वासी।